Let's see the factors affecting corporate governance. ये दो तरह से है, इंटरनल फैक्टर्स भी हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं. तो हम वन बाय वन देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स. अब देखिए, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ. रोल एंड पावर्स ऑफ बोर्ड क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए इंटरनल फैक्टर्स में, कि बोर्ड्स का रोल और उनकी पावर्स क्या हैं, कितनी अमाउंट तक की एंटिटी में जो परचेज या सेल कितने की, नंबर्स मेंशन होना. कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, देखिए मेन ऑब्जेक्टिव तो जैसे शुरू में मैंने कहा, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, बट आई एम गोइंग टू से टू वैल्यू एड एज मच एज पॉसिबल टू द स्टेक होल्डर्स. सब के लिए आप देखेंगे, सबका आप सामने रखें कि सबको कितना कितना मिले. तो ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए. प्रमोटर्स, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को इनिशियली शुरू किया होता है. ये समझते हैं हमने एहसान किया है कंपनी पर. भाई कंपनी जब आपने रजिस्टर करवा ली, लिस्टिंग करवा ली, तो कंपनी तो एक अलग से चीज़ हो गई. अब आपने प्रमोट कर दिया, ठीक है, इट डजंट मीन आपके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, यू शुड बी टेकन केयर एज ए शेयर होल्डर, लेकिन एज ए प्रमोटर आप डोमिनेट नहीं कर सकते. ये और बात है कि अगर आपके अगर मैक्सिमम बहुत सारे शेयर हैं तो आप डोमिनेट कर लें, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज. तो प्रमोटर्स वो होते हैं जो आइडिया जनरेट करते हैं और फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनी बनाते हैं और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, बाकी काम भी चलाते हैं. मैनेजर मैनेजमेंट कल्चर एंड प्रैक्टिस, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. असल में देखें, किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं तो वहाँ का कल्चर और प्रैक्टिसेस जो हैं वो देखें. अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते. हालांकि क्लियर है एथिकल अप्रोच जो है, जो भी जहाँ कहीं भी है, देखिए ये सारी डिफाइंड हैं, हर जगह पता भी है, हम जानते भी हैं, उसके बावजूद हम इधर उधर कर देते हैं. रोल ऑफ प्रोफेशनल, सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग. देखिए प्रोफेशनल्स वो हैं जिनके पास क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन है. मसलन अगर मैं अकाउंटेंट हूँ तो मेरे पास पाकिस्तान से, बाहर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेशन है. मैं मेरे कोड ऑफ एथिक्स हैं, मैं उनके मुताबिक ही काम करूँगा, मैं उससे बाहर नहीं जा सकता. अगर मैं करता हूँ तो मुझे वो मेंबरशिप ही मेरी कैंसिल हो सकती. तो हर फील्ड में इंजीनियर्स का अपना इंजीनियरिंग काउंसिल है, वो एक आपकी मेंबरशिप देती है, उसकी मेंबरशिप की एक वैल्यू है. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसकी एक वैल्यू है. हर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी, जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी वैल्यू है. आर्किटेक्ट्स हैं, वैल्यूअर्स हैं, सबकी एक वैल्यू है. तो उनके जो कोड्स हैं, कोड ऑफ एथिक्स जो उनको दिए जाते हैं जब वो मेंबर बनते हैं, तो दे आर सपोज फॉलो. ये नहीं कि आप उनको फॉलो ना, गलत हो जाएगा. तो अकाउंटेंट्स देखें, हम अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है, ये क्लाइड कर जाते हैं. क्लाइड से मुराद है मिल जाते हैं, और जब ये मिल जाते हैं तो बेड़ा गर्क हो जाता है. इसलिए दे आर सपोज टू बी कि आप अपना अपना रोल अंडरस्टैंड करें और अपने कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक चलें. कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेट करें बात को, समझाएं, बताएं. इसमें ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें अब आ रही हैं, जैसे मैंने कहा लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ बनाकर आप भेजें, क्वार्टरली भेजें, हाफ ईयरली भेजें, और वो रेगुलरली आपको करना पड़ेगी, रिपोर्ट करना पड़ेगी. देन बोर्ड एंड मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट, मैनेजमेंट अलग है और बोर्ड अलग. मैनेजमेंट जो है ना वो आंसरेबल है टू द बोर्ड. तो बोर्ड उनको ओवरसी करेगा कि मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, और उसमें वो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हैं और जो बाकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और बाकी जो नीचे स्टाफ सारे का सारा. वो कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है. कि कोड ऑफ कंडक्ट में असल में होता ये है कि जब भी कहीं आप जॉब करने जाएंगे तो आपको सारी चीज़ों का एक ब्रीफिंग, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, वो शुरू में आपसे करवाया जाता है, इंट्रैक्शन करवाया जाता है कि ये डिपार्टमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है. एक नया आदमी जब आपके पास आ रहा है तो उसको आपके कंपनी का
सब कुछ एकदम से तो पता नहीं चलता, लेकिन आप उसको एक करवाते हैं, इंडक्शन करवाते हैं उसका, ताकि उसको पता चल जाए कि कंपनी में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या करनी है क्या नहीं करनी। एक्सटर्नल फैक्ट, इसमें ये जो लीगलाइजेशन है, कंपनी ऑर्डिनेंस, स्टेट बैंक प्रूडेंशियल रेगुलेशन, स्टेट बैंक रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग, SSP एक्ट एंड गाइडलाइन, नंबर ऑफ रूल्स। आई टेल यू सम टाइम जब हम गो थ्रू करते हैं ना इन रूल्स को, तो हम कहते हैं यार बिजनेस ही ना कर, सो मेनी थिंग्स। आपको स्टेप बाई स्टेप देखना चाहें तो देखेंगे कि ये इतना फैल जाता है, लेकिन यू हैव टू, देयर इज नो चॉइस। लेकिन रूल्स बनाए किस लिए? ताकि वी शुड प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर, द इंडिविजुअल, द स्टेक होल्डर। तो हमें ये रूल सारे, और इसमें अमेंडमेंट्स होती चली जाती हैं, एंड यू हैव टू कीप पेस विद दोज अमेंडमेंट्स। ऐसा भी नहीं कि आप चुप करके बैठ जाएं, चलने दें, नहीं। अगर कोई अमेंडमेंट आ रही है, अब जो देखिए अभी जो इस साल के टैक्स रिटर्न आ रही हैं, डेली बेसिस पर मुझे एक ई मेल आ रही होती है कि देखिए जी ये रूल चेंज हो गया, ये रूल चेंज हो गया। मसलन देखिए बिजली का बिल जो है, उसमें 11% के करीब आपको टैक्स देना पड़ रहा है अगर आपका बिल जो है 25,000 या उससे ज़्यादा। अभी ये एक नया इश्यू आ गया, अगर मैं पहले से प्लान नहीं है मेरा कि मैंने इतना टैक्स पे करना है, कैसे मैं उसको एडजस्ट करूँ। एनी हाउ, तो रेगुलेटरी एजेंसीज नंबर्स हैं, वो आपको फॉलो करती। मैं छोटे बिजनेस में भी अगर जाएं, ये तो खैर हम लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं, छोटे बिजनेस में भी इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि एक छोटा बिजनेस भी चलाने के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज रेगुलेशन एंड नंबर्स। ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड वाइड चेंजेस आ रही, अब ये अब छोटा सा नहीं रह गया काम, वर्ल्ड वाइड चेंजेस हैं, तो वी मस्ट कीप इन माइंड कि दुनिया में क्या चल रहा है और हम अपनी कंपनी को उसके साथ कैसे मैच कर, कैसे उस लेवल पर लेके जाएंगे। क्योंकि देखें हम बहुत सारी कंपनियां हैं पाकिस्तान में जिन्होंने बाहर के स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग करवाई हुई, तो अगर वहाँ कोई चेंज हो रही है तो आपको भी देखना पड़ेगा कि आपने उनकी उस चेंजेस को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि आप वहाँ पर लिस्टेड हैं और ये पॉसिबल है लिस्ट करवाना लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए एक उसके रिक्वायरमेंट है, वो आप पूरी करें और आप रजिस्टर हो जाएं। तो मतलब ये कि आपके शेयर वहाँ बेचे जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी डे टू डे बेसिस पर चेंज आ रही है, एवरी टाइम न्यू चीज। लेकिन शुरू शुरू में 1 और 3 जो कंप्यूटर था, शुरू में मैंने खरीदा था किसी ज़माने में शुरू में, तो उससे हम काम करते चले, और अब तो जनाब मोबाइल से भी चल रहा है सारा कुछ, अब तो घड़ी में भी आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी जो है इसको भी अब्रेस्ट करना पड़ता है, इसके साथ चलना पड़ता है। सोशल एप्लीकेशन, ये जो सोसाइटी के साथ प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सामने रख, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है उसके मुताबिक भी आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। और सोसाइटी का एक बड़ा रोल है, मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे ही नहीं है कि आपका जो वेस्ट है आपको ऐसे ही फेंक दें, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन कि अगर ये डर्टी वाटर जो आपने फेंकना है तो उसके लिए क्या करना पड़े, ये सारा डिटेल है। ओनरशिप स्ट्रक्चर, अगर एक ही आदमी टॉप पर बैठा हुआ सारा कुछ चला रहा है तो वो भी है। ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी एक है। देखिए चाइना में क्या है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, यूएस में डेमोक्रेसी है। तो क्वेश्चन ये है कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या, और ये भी इम्पैक्ट करता है आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि आर दे सीरियस कि ये वाकई कंपनी जो है वो एक लो लेवल का जो इन्वेस्टर्स है या एक आम आदमी जो है उसका इंटरेस्ट वॉच कर, बहुत एक डिफ़िकल्ट जॉब। सो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, ये ऑल्सो इम्पैक्ट करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एज वेल। चैलेंज क्या है, एन इम्पॉर्टेंट चैलेंज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज दैट कंपनी बोर्ड शुड बी मेड अकाउंटेबल फॉर ऑल बैड डिसीजन दे। देखिए अच्छा डिसीजन है तो बेहतर है, लेकिन अगर कोई बैड डिसीजन हुआ है तो उसके प्रोस एंड कॉन्स देखें, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हाउ इट हैपेंड, ये बहुत जरूरी। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट वीक एंड इनएफिशिएंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस पोज अ सीरियस थ्रेट्स टू द इकोनॉमी। अच्छा देखिए ना, एक कंपनी
से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेसेस, तो अगर एक कंपनी में कोई गड़बड़ हो रही है तो इसका मतलब उससे जो रिलेटेड जितने भी बिजनेस दे आर गोइंग टू बी इफेक्ट, तो उनमें जो इफेक्ट आ रहा है उसको भी सामने रखते हैं। द की चैलेंज टूडे इज हाउ टू एनफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन इफेक्टिवली एंड इन ट्रू स्पिरिट। बहुत ही मुश्किल काम, लेकिन अब पहले तो ओवर रूलिंग है, इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए हैं कि आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप 100% इन ट्रू स्पिरिट में उनको अप्लाई कर सकते, कहीं ना कहीं लूप होल हो जाता है, इसलिए कि पॉसिबल ही नहीं है। ओवर रेगुलेशन किया स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं है। किसी काम में भी आप देखें, कोई चीज़ में एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने अगर फर्ज करें एक मीटर ही लगवाना है ना, तो देखें कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बाहर क्या है कि आप जाएं उनकी फीस पे करें एंड द सेम डे आपका वो काम हो जाए, ये एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ कंपनीज विल बिकम एज क्रूशियल एज टू द वर्ल्ड इकॉनमी एज टू द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंट्रीज। ये वर्ल्ड बैंक का जिम वॉल्फर्सन है, इसने कोट किया था एक ज़माने में कि जी सिर्फ कंपनी अगर ठीक हो जाए, यानी कंपनियां ठीक हो जाएं, तो पूरी इकॉनमी सही हो जाए, और जब पूरी इकॉनमी सही हो जाएगी तो पूरी दुनिया में एक चैन सुकून हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो भी हम कंपनी जिसमें हम बैठे हैं, वी मस्ट कीप इन माइंड कि जी उसमें कैसे से इन तमाम फैक्टर को सामने रखते हुए अपनी उस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना, कैसे उनको इन्फोर्स करना है। थैंक यू वेरी मच।